हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हम बजट के बाद छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहे हैं और उसमें बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरह से आपको फायदा होने वाला है। तो फायदे की तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बजट का झटका तो आपको कॉमन मैन को लग ही चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंपनीज के। स्मॉल कंपनीज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए स्मॉल कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए कि उसके अपने नॉर्म्स है, उसके अपने कंप्लायंसेस थे, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे ये बेनिफिट आपके कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदे का सौदा रहेगा क्योंकि उनका जो डिफिनेशन चेंज होने के वजह से उनके कंप्लायंसेस कम हो जाएगा। तो पहले बात करते कि पुराना क्या हिसाब किताब था, पुराना किस तरह से कंपनीज काम करता था। तो पहले था कि अगर 50 लाख तक का आपका कैपिटल है तक या टर्नओवर 2 करोड़ तक है तभी आप स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज आपको स्मॉल कंपनी का जो प्रिविलेज था वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल जो अभी बजट 1 फरवरी को पास तो नहीं हुआ, जो प्रेजेंट हुआ है, जिसमें रखा गया है, उसमें हमारे ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने उसमें बहुत ही कह सकते हैं बहुत छोटा सा चेंज है लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। क्या है? तो पहले कहा गया कि जो कैपिटल था उसको 2 करोड़ तक कर दिया गया और जो टर्नओवर है उसको 20 करोड़ तक के लिए कर दिया गया। यानी कि स्मॉल कंपनी वो है जिनका कैपिटल 2 करोड़ तक है या टर्नओवर 20 करोड़ तक है, यानी कि ड्रास्टिक चेंजेस हो गए। पहले 50 लाख से 2 करोड़ थे, अब उसके फायदे क्या होंगे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर इसका बेस चेंज कर दिया उससे मैं अगर कंपनी चला रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख कंपनी का डेटा आ रहा है कि जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनका बहुत ही कंप्लायंस कॉस्ट पे फायदा होने वाला। पहली चीज़, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की अब जरूरत नहीं है, पहले मैंडेटरी था, यानी कि अगर आप कैटेगरी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता था, आज के डेट में कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी ज़रूरत थी अगर आप स्मॉल कंपनी नहीं है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे हैं। अब बात करें बोर्ड मीटिंग, अब 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी, यानी कंप्लायंसेस देखिए किस तरह से छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन उसकी वजह से कंप्लायंसेस किस हिसाब से कम हो गए, अब आपको 2 ही एनुअल मीटिंग आपको होल्ड करना होगा। इसके अलावा जो पेनल्टीज हैं लेस स्मॉल कंपनी पे वो भी काफ़ी कम है, लेट फाइलिंग फी भी स्मॉल कंपनी पे बहुत कम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस हिसाब से काम करने की। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डायरेक्टर रेमुनरेशन देते हैं या कीमेन कोई रेमुनरेशन देते हैं और स्मॉल कंपनी है तो आपको केवल एनुअल रिटर्न में टोटल अमाउंट देने की जरूरत है, बहुत डिटेल देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में नहीं तो बहुत तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। इसके अलावा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम भी अब आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि अगर आप ये इस कैटेगरी में नहीं है तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ऑडिटर को कमेंट करना पड़ता था, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर आप एक आदमी भी साइन करता है तो आपका काम चल जाएगा, सिंगल डायरेक्टर से भी हो सकता है, या तो एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाई सिंगल डायरेक्टर से भी आपका काम चल जाएगा। मोटा मोटी बात करें तो जो ये बेस चेंज करने की वजह से जो कंप्लायंसेस हैं उसको काफ़ी आसान हो गई और जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। एक स्मॉल कंपनी, एक नए स्टार्टअप और जो अभी इनिशियल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये डिफिनेशन समझ में भी आया होगा और अगर आपको इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर पहले कॉम्प्लायंसेस कौन था, अब क्या है, अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं वो भी हमें बताएं। अगर इसके अलावा कोई और भी आपको हमारे तरफ से कोई मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं, आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जाते जाते आप हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन अगर आपके घर पे OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फायर TV हो, एप्पल हो, एंड्रॉयड हो, जियो हो, फायर कोई भी है, हम उस पर अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।